और एक डाउट है, आप अगर सॉल्व करना चाहते हो, आपने भी जॉब छोड़ दी, मैंने और भी एग्जांपल्स देखे कि ऑफिसर बनने के बाद में लोग जॉब छोड़ देते हैं, और पहले ऑफिसर इसलिए बनते हैं कि कुछ करना है, फिर जॉब इसलिए छोड़ते हैं कि कुछ करना है, तो ऑफिसर बनने के बाद में मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि हमको मतलब ये डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं हम अपने डिसीजन को फ्रीली लेंगे इसलिए हम जॉब में नहीं रहेंगे? तो मैम नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताती हूँ। सर्विस आपको बहुत अच्छे मौके देती है कि आप अच्छा काम कर सको, आप अच्छे चेंजेस ला सको, लेकिन वहाँ पे आप एक बहुत बड़े सिस्टम का पार्ट होते हो। जैसे ऐसे समझिए कि बहुत बड़ी मशीन है जिसका आप एक छोटा सा कलपुर्जा है, उस कलपुर्जे का ठीक काम करना बहुत जरूरी है। अगर उसने ठीक काम नहीं किया, अगर उसने ईमानदारी से काम नहीं किया, उसने एफिशिएंसी से काम नहीं किया, तो पूरी मशीन की जो स्ट्रेंथ है, जो प्रोडक्ट बनेगा वही ठीक नहीं बन पाएगा, वो ठीक नहीं बन पाएगा, है ना। लेकिन वहाँ पे आप अगर ये सोचें कि हम एक बड़े लेवल पे कोई चेंज ला सकते हैं, सरकारी सिस्टम में ला सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं ला सकते। जैसे जब मैं सिविल सर्विसेज के अंदर अपना जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे भी कई कई सारे मौके अच्छे मिले मुझे, अच्छे अच्छे काम करने के। लेकिन जब मैं यूपीएससी में मैंने थोड़े से इंटरव्यूज लिए, फिर पढ़ाना स्टार्ट किया, तो पढ़ाते पढ़ाते ना वो मेरे अंदर मुझे रियलाइज हुआ कि टीचर वाली इंस्टिंक्ट है। तो टीचर वाली इंस्टिंक्ट क्या होती है कि बच्चा सामने दिखता है ना, तो अचानक से ज्ञान बहने लगता है। कि अरे यार तू ऐसे क्यों कर रहे हो बच्चे, नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है, ऐसे करना है, वो करना है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मेरे अंदर एक पैशन है पढ़ाने का, और जो मतलब फिर मुझे ना ये राजेंद्र नगर की, मेरे खुद भी बहुत धक्के खाए हैं, मतलब बहुत स्ट्रगल किया है, बिल्कुल है ना, बहुत ये सब चीजें मैंने खुद पर्सनली झेली हैं, अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ घर वालों के, तो घर वालों को सपोर्ट है, लेकिन समाज ना ये कह रहा है कि ये सब करो, तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम है। अब एक तरीका तो है कि यार सिस्टम में बने रहो, मतलब सिस्टम में बने रहो, यहाँ पे आगे कुछ चेंज मत करो। दूसरा ये है कि अगर आपका कुछ दिख रहा है आपको खराब है, तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, और पीछे से बुराई करने का कोई फायदा नहीं है, सिस्टम खराब है उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने एक दिन मैंने छोड़ी नौकरी, मैंने 7.5 साल काम किया जी जी जी, है ना। तो वैसे मैं यंग लग रही हूँ क्या, ऐसा लग रही है 7.5 साल काम किया। तो मैंने 7.5 साल काम किया सरकार के अंदर, और सब पोस्टिंग्स देख लेने के बाद मैंने सोचा एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं ना, लेट अस डू समथिंग इन पेडागॉजी। और ये भी एक जी है, देखते हैं कितनी सफल होती है। हाँ मैम, बिल्कुल आपका मैम, देखिए आपने गोल अच्छा बनाया है।